नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं आज के ताज़ा मौसम समाचार के इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे आज के और आने वाले दिनों के बिल्कुल ताज़ा और सटीक मौसम समाचार की। तो दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट के अनुसार अब देश भर के कई राज्यों में पहाड़ों से लेकर मैदान तक खतरनाक से खतरनाक मूसलाधार भारी बारिश, भयंकर आंधी तूफान और भयंकर गर्मी को लेकर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे कई राज्यों में बेहद खराब स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी गांव या राज्य में रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिरी तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें और नीचे कमेंट करके अपने राज्य, अपने गांव का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके राज्य, जिला और गांव से जुड़े ताजा मौसम समाचार हम आपको लाकर देते रहे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं देश भर के मौसमी समाचार से। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश और गंगा पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और केरल में एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर तेज बारिश संभव है। सिक्किम, उड़ीसा और रायलसीमा में एक या दो स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, मराठवाड़ा, उत्तराखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश संभव है। वहीं बात करें देश के अलग अलग राज्यों की, तो उत्तर प्रदेश में 30 से अधिक जिलों में आज बारिश की संभावना है। कानपुर, लखनऊ सहित आसपास के सभी जिलों में सुबह से धूप निकलने के साथ ही आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। दिन के साथ बढ़ती धूप की तापिश को बादलों की आवाजाही कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी गर्मी का एहसास है। बता दें कि गुरुवार को राजधानी समेत प्रदेश भर में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से मध्य प्रदेश से सटे यूपी के जिलों समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश और बदली के आसार है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एम दानिश के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा का असर अब प्रदेश के मध्य हिस्सों में भी आ रहा है। इसके चलते शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश से सटे सभी जिलों में आंधी पानी के लिए चेतावनी दर्ज की गई है। वहीं 3 मई तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी के साथ छिटपुट बरसात दर्ज हो सकती है। बागपत, बरेली, बदायूं, आगरा, मथुरा, मुरादाबाद, अमरोहा, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़, सहारनपुर, अलीगढ़, हाथरस, मुजफ्फरनगर, रामपुर, शाहजहांपुर, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, शामली, बिजनौर, नजीबाबाद, फरुखाबाद, इटावा और औरैया आदि जिलों में आज बारिश की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी 2 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। गुरुवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़त दर्ज की गई है। सर्वाधिक तापमान सुल्तानपुर और झांसी में 39.1 डिग्री और प्रयागराज में 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान में भी बढ़त जारी है। सबसे कम तापमान अयोध्या में 18 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ और आसपास के जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो सकता है। मौसम के मिजाज में बदलाव का जो दौर एक सप्ताह पहले शुरू हुआ था, वो अभी भी जारी रहेगा। बादल और धूप की आंख मिचोली के बीच चढ़ रहे तापमान में लगाम लग सकती है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों में बूंदाबांदी से लेकर वर्षा और तेज हवाएं चलेंगी, इससे तापमान में काफी गिरावट की उम्मीद है। मौसम में बार बार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इन दिनों उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। अप्रैल का महीना लगभग खत्म हो चुका है और बर्फबारी का दौर जारी है। इस वर्ष फिलहाल गर्मी का कम है। देहरादून में तो सुबह और शाम को मौसम सुहावना बना हुआ है। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरगढ़ में हल्का हिमपात हो सकता है, जबकि निचले इलाकों में गरज के साथ तीव्र बौछारें और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 30 अप्रैल को ओलावृष्टि और अंधड़ को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान चार धाम में हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। कहीं कहीं तेज बौछारें पड़ने के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं गुरुवार को दून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में सुबह चटक धूप खिली, लेकिन दोपहर में घने बादल उमड़ आए और कई स्थानों पर तेज बौछारें पड़ी। चकराता समेत आसपास की पहाड़ियों पर ओलावृष्टि हुई, जिससे फसल व बागवानी को नुकसान पहुंचा। उधर चारों धाम में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ ही चोटियों पर हिमपात हुआ। प्रदेश भर में मौसम के बदले मिजाज से तापमान फिर लुढ़कने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी चोटियों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में ओलावृष्टि वर्षा की चेतावनी है। प्रदेश में बीते एक सप्ताह से मौसम बदला हुआ है। धूप और बादलों की आंख मिचोली के बीच प्रदेश में वर्षा बर्फबारी का क्रम जारी है। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में रुक रुक कर हिमपात हो रहा है, जबकि निचले इलाकों में वर्षा और ओलावृष्टि हो रही है।
गुरुवार को सुबह से ज्यादातर क्षेत्रों में धूप खिली। दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली और बादल छाने लगे। दून समेत आसपास के क्षेत्रों में मध्यम हवाओं के साथ बौछारें पड़ी, जबकि आसपास की पहाड़ियों पर ओलावृष्टि हुई। बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री में बूंदाबांदी के साथ हल्का हिमपात हुआ, जबकि गंगोत्री धाम में बौछारें पड़ी। आसपास के तमाम चोटियों पर बर्फबारी जारी है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। बिहार राजधानी पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पटना समेत प्रदेश के गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल जिले के एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश संभावना है। हाल के दिनों में बिहार के लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। राज्य में 20 अप्रैल के बाद से अब तक करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर चुका है। बारिश और बादलों ने राज्य को चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाई है। मौसम विज्ञान के अनुसार एक तक राज्य में बारिश और बादल छाए रहने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बनने के साथ बादलों का डेरा, पूर्वी हवा का प्रभाव होने के कारण पटना समेत प्रदेश में वर्षा की गतिविधियां बने होने के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट जारी है। बीते 12 अप्रैल के बाद से ही बिहारवासी चिलचिलाती गर्मी से परेशान थे। 12 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के दौरान राज्य का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। भीषण गर्मी और लू के कारण राज्य के अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी तेजी देखने को मिली थी। हालांकि 20 अप्रैल के बारिश से गर्मी से राहत दिलाई है। अप्रैल में सूरज की तापिश लोगों को परेशान करती है। इस बार हिमाचल में अप्रैल के सूरज पर बादलों का घेरा है। इस माह बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि व हिमपात से दिसंबर जैसी ठंड का एहसास हो रहा है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। मौसम में परिवर्तन कृषि व बागवानी के साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ रहा है। धूप निकलने से गर्मी होने और फिर एकाएक वर्षा व हिमपात से ठंड स्वास्थ्य में नुकसान पहुंचा रही है। कृषि विभाग को 111.58 करोड़ रुपए जबकि बागवानी विभाग को 25.88 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सर्दियों में वर्षा व हिमपात कम होने से कम नमी के कारण सालाना करीब 4.50 हजार करोड़ रुपए का हिमाचल की सेब आर्थिक पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। अब वर्षा व हिमपात से सेब की फसल को नुकसान हो रहा है। आंधी व ओलावृष्टि से बहुत नुकसान हुआ है। सबसे अधिक नुकसान गेहूं की फसल को हुआ है। गुठलीदार फलों, आड़ू, प्लम, खुमानी आदि का उत्पादन करीब 40% तक प्रभावित होने का अनुमान है। ओडिशा में अगले 3 से 4 दिनों तक काल बैसाखी को लेकर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। काल बैसाखी के चलते प्रदेश के कुछ हिस्सों में वज्रपात एवं आंधी के साथ वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में इस दौरान सभी से सतर्क रहने के लिए मौसम विभाग ने सतर्क सूचना जारी की है। स्थानीय मौसम विभाग के निदेशक HR विश्वास ने कहा है कि काल बैसाखी का प्रभाव शुक्रवार को दक्षिणी आंतरिक जिलों में अधिक होने की संभावना है। मौसम विभाग के निर्देशक अनुसार आज 6 जिलों में ऑरेंज और 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है उनमें गंजाम, गजपति, रायगढ़, नंबरगपुर, कालाहांडी और कंधमाल जिला शामिल है। इन जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी संभावना है। इसी तरह मलकानगिरी, कोरापुट, नुआपाड़ा, बौद्ध, सोनपुर, संबलपुर, अनुगुल, नयागढ़, कटक, ढोंकनाल, कंदजोर और मयूरभंज जिलों के लिए आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि काल बैसाखी का असर थोड़ा कम होने के बाद 30 तारीख से फिर से असर बढ़ेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत शुक्रवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। सुबह के समय ही कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ वर्षा व बूंदाबांदी हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले कोरापुट में भीषण वज्रपात की स्थिति देखी गई थी। यहां 7 मिनट में हुई वज्रपात की 5,395 घटनाओं ने सबको चौंका दिया है। इससे पहले 6 मई को महज 30 मिनट में वज्रपात की 3,762 और 7 मई को 2,573 घटनाएं हुई थी। इसी तरह की स्थिति से बचने के लिए ही मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। हिमालयी गांवों तक हिमपात हुआ है। ओलावृष्टि के कारण ठंड बढ़ गई है। लोग अप्रैल माह के अंत में दिसंबर जैसी ठंड से परेशान है। शुक्रवार को भी आसमान पर हल्के बादल छाए हुए हैं। बीते गुरुवार की रात को कपकोट तहसील से लगभग 28 किलोमीटर दूर कर्मी विनायक तथा हिमपात हुआ है। इससे पूर्व ओलावृष्टि हुई जिससे हिमालयी गांवों में कड़ाके की ठंड बनी हुई है। पिंडारी, धाकुड़ी, चिल्टा समेत अन्य गांवों में अप्रैल माह में हिमपात होने से दिसंबर जैसा मौसम बना हुआ है। क्षेत्र के घाटी वाले भूभाग में सुबह कोहरा छा गया। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली NCR में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। गुरुवार देर शाम को अचानक तेज हवा के साथ शुरू हुई बूंदाबांदी ने मौसम में करवट बदल दी है। मौसम विभाग की माने तो राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को दिन भर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि शुक्रवार को राजधानी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। IMD का कहना है कि न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री के दर्ज किया गया, जबकि राष्ट्रीय राजधानी में सुबह करीब 8:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 62% दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट और दक्षिण ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश हुई।
असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, बिहार के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, आंतरिक तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, दक्षिणी हरियाणा और पूर्वोत्तर राजस्थान में एक या दो स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। ओडिशा में अगले 3 से 4 दिनों तक काल बैसाखी को लेकर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। काल बैसाखी के चलते प्रदेश के कुछ हिस्सों में वज्रपात एवं आंधी के साथ वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में इस दौरान सभी से सतर्क रहने के लिए मौसम विभाग ने सतर्क सूचना जारी की है। स्थानीय मौसम विभाग के निदेशक एचआर विश्वास ने कहा है कि काल बैसाखी का प्रभाव शुक्रवार दक्षिणी आंतरिक जिलों में अधिक होने की संभावना है। मौसम विज्ञान के अनुसार एक राज्य में बारिश और बादल छाए रहने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बनने के साथ बादलों का डेरा पूर्वी हवा का प्रभाव होने के कारण पटना समेत प्रदेश में वर्षा की गतिविधियां बने होने के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट जारी है। गंगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के शेष हिस्सों, झारखंड के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात के कच्छ क्षेत्र और केरल के एक या दो स्थान पर हल्की बारिश हुई। मौसम के मिजाज में बदलाव का जो दौर एक सप्ताह पहले शुरू हुआ था वो अभी जारी रहेगा। बादल और धूप की आंकमिचौली के बीच बढ़ रहे तापमान में लगाम लग सकती है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों में बूंदाबांदी से लेकर वर्षा और तेज हवाएं चलेंगी, इससे तापमान में काफी गिरावट की उम्मीद है। मौसम में बार बार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इन दिनों उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। अप्रैल का महीना लगभग खत्म हो चुका है और बर्फबारी का दौर जारी है। इस बार फिलहाल गर्मी भी कम है। देहरादून में तो सुबह और शाम को मौसम सुहावना बना हुआ है। रुद्रप्रयाग, चमेली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्का हिमपात हो सकता है, जबकि निचले इलाकों में गरज के साथ तेज बौछारें और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 30 अप्रैल को ओलावृष्टि और अंधड़ को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान 4 धाम में हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। कहीं कहीं तेज बौछारें पड़ने के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज के मौसम समाचार में बस इतना ही। ऐसे ही ताज़ा और सटीक मौसम समाचार अपने मोबाइल पर फ्री में पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बगल में घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन खबरों के बारे में सबको पता चल सके।